जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन डिस्कस करने वाले हैं कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए, जो भी UBIT या फॉर्म डी DPT BE BBA किसी भी फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 20 मार्क्स का जो है वो आपका जो है वो GK आता है, तो उसके अंदर जिसके डिस्कस करेंगे तो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन कैसे कहते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ वर्ड्स आपको लिखे जाते हैं, आप उसको कम्प्लीट उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी होती है। सो अभी हम इसमें देखेंगे, काफ़ी सारे हैं, तकरीबन 70+ एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट जो मैंने निकाले हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट है जैसे UNO, तो यू नो द फुल फॉर्म ऑफ UNO, शुरू में इंटरनेशनल, यस यस, दिस इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO, ठीक है, अक़वामे मुत्तहिदा जिसको उर्दू में कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है UNO का? यस, USA के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, USA के अंदर न्यूयॉर्क सिटी द USA के अंदर UNO का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द UNO। यूनिसेफ इसकी एक ब्रांच है, बच्चों के लिए काम करती है। एनीबडी नोज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? देखो UN से तो यूनाइटेड नेशन हो गया, सी से चिल्ड्रन हो गया, तो ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, तो UN यूनाइटेड नेशन, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रन, पी से एमरजेंसी और एफ से हमारे पास हो गया फंड, ठीक है। बाकी पिछली स्लाइड मैंने आपको शेयर कर दी थी GK1 की, या शायद इससे पहले नहीं की थी, ओके, ये स्लाइड मैं आपसे शेयर कर दूंगा। यूनेस्को, एनीबडी नोस यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म क्या है? UNESCO। दिस इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तालीम साइंस और सकाफत के लिए काम करती है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल ऐसे साइंटिफिक सी से कल्चरल और से ऑर्गेनाइजेशन। ये भी UN की एक शाख है, एक ब्रांच है, सुना होगा नाम आपने यूनेस्को का भी। WHO तो पता ही होगा, बस आलमी सेहत की तंजीम है, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। FAO फर्स्ट टाइम में था, एक चैप्टर यूनाइटेड नेशंस के नाम से, उसके अंदर ये सब पढ़ा होगा आपने। FAO दिस इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, गिजा के लिए, ज़रात के लिए, खेती बाड़ी के लिए, इनके लिए काम करती है, तो एफ से फूड है, ए से एग्रीकल्चरल है, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है। ये भी UN की ही अंडर में रहकर काम करती है, यूनाइटेड नेशंस के। FAO UNCHR दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, UN से यूनाइटेड नेशंस, सी से कमीशन, एच से ह्यूमन, आर से राइट्स, यूनाइटेड नेशन कमीशंस फॉर ह्यूमन राइट्स दैट इज़ UNCHR। इंसानी हकूक के लिए काम करती है, आलमी हकूक के लिए, अगर किसी कंट्री के अंदर किसी इंसान के राइट्स को नहीं दिए जा रहे हैं तो उसके लिए वर्क करती है ये, पाकिस्तान के लिए भी कर सकती है, राइट्स अगर नहीं मिले, अगर आप उसका आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं तो फिर आपको उससे इंसाफ मिलता है, इफ़ यू नो द प्रॉपर चैनल। बट अफसोस की बात यह कि हम अपने राइट्स को जानते ही नहीं है कि व्हाट आर आवर राइट्स, राइट्स पता हो तो उनके लड़ेंगे ना, राइट्स ही नहीं पता। दिस इज़ UNCHR। IMF ये तो पता ही होगा, बड़े कर्जे लिए हैं पाकिस्तान ने, क्या है ये फुल फॉर्म? यस, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, बहुत मशहूर है, समाज से हमारे पॉलिटिशियन बैठे हर वक्त दरवाजे पर खड़े रहते हैं उसके कर्ज़ा लेने के लिए। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये कर्जे देती है, लोन देती हैवी इंटरेस्ट पर देती है भाई, ऐसे नहीं देती है। EU झंडा होता है इस तरह से इसका, लाइक स्टार्स बने होते हैं बहुत सारे, पता है किसी को? दिस इज यूरोपियन यूनियन, यूरोप की, जैसे यूरोप वालों ने अपनी एक यूनियन बनाई हुई है, यूरोपियन यूनियन, इसके अंदर 27 मेंबर स्टेट्स हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 स्टेट्स हैं, लेकिन अभी स्टार्ट 27 नहीं, शायद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 शुरू में जब ये यूरोपियन यूनियन बनी थी सिर्फ 12 स्टेट थे, 12 रियासतें थी, एक एक करके यूरोप की अक्सर रियासतें आ गई, इसके अंदर 27 रियासतें यूरोप की अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ये क्या करते हैं, ट्रेडिंग में ये आपस में मतलब ट्रेडिंग करते हैं, एक खास बिना टैक्स के आपस में ट्रेड करते हैं, इस तरह का करेंसी इन सबका सेम चलता है इन तमाम का, दैट इज़ यूरो, यही करेंसी चलाते हैं। और इनके यहाँ शेंजन वीज़ा होता है, अगर आपको पता हो, शेंजन वीज़ा से मुराद ये है कि अगर आप किसी यूरोप के किसी एक कंट्री का वीज़ा आप हासिल करते हैं
और सारे यूरोप का वीज़ा आपको उसमें मिल जाता है। मतलब अगर आप फ्रांस जाना है तो फ्रांस से आप जर्मनी, स्विट्जरलैंड कहीं पर भी जा सकते हैं। एक वीज़ा है जो, क्योंकि फ्रांस वाले कहते हैं अगर हमारे कंट्री में कोई आ रहा है तो वो कहीं और पर भी जा सकता है, वैसा मसला नहीं है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे पास यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन के। द यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन इन 2020, ये भी एक बड़ा मशहूर वाकया था कि यूके ने 2020 में 31 जनवरी, 31 जनवरी को, आपको पता है सबको ये बात, 31 जनवरी 2020 को उसने यू लेफ्ट कर दिया था यूरोपियन यूनियन को, और उसको ब्रेक्जिट कहा जाता है, बड़ा मशहूर है इसको, बड़ा चला 2020 में ये ब्रेक्जिट। बी आर से मरा दैट इज कॉल्ड ब्रिटेन, ब्रिटेन, और ई फॉर हो गया एग्जिट, हो गया ब्रिटेन एग्जिट, तो ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्जिट कहा जाता था इसको। तो काफ़ी लंबी इसकी कहानियाँ चली, फाइनली 31 जनवरी को उन्होंने अपने आप को हटा लिया, क्योंकि वो ये कहते थे कि हम यूरोप के अंदर सबसे मज़बूत इकोनॉमी है, और हम यूरोप, और चूँकि एक एक कंट्री, जो पहले कंट्री 12 कंट्री थी ना पहले, वो सारी की सारी कह लो कि वो सारी की सारी कंट्रीज जो थी ना वो अच्छी थी, अच्छी से मुराद प्रॉस्पेरस थी, है ना, प्रॉस्पेरस कंट्रीज से सारी, वो अमीर कंट्रीज से सारी वो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ गरीब ममालिक भी जो है ना, वो लतविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सब इस तरह के जो थोड़े से पुअर कंट्री हैं यूरोप के, वो भी शामिल होने शुरू हो गए यूरोपियन यूनियन में। तो वही यूके ने कहा कि ये तो इंसाफ की बात नहीं है, हम सारा कमा के अपनको दे दें उठा के, क्या इसका मतलब हम तो बेवकूफ़ बन गए। तो उसने कहा बोले हम हटे में हट ही जाना इससे, बताओ गरीबों को पालने के लिए थोड़ी ना है यूरोप के गरीब कंट्रीज़ को। तो इस वजह से वो ब्रेक्जिट पूरा हुआ था। काफ़ी डिटेल है इसकी 2020 में। तो ब्रिटेन का निकल जाना एक बहुत बड़ा धचका था यूरोपियन यूनियन के अंदर से, क्योंकि यूके एक बहुत बड़ा पार्ट था। समझ आ गया सबको बात, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, ब्रिक्स भी एक, तो ये मैंने उसको इसी तरह से लिख दिया, हर एक अल्फ़ाबेट इसके अंदर ना एक कंट्री को शो कर रहा है, उसके अंदर एक फ्लैग भी बना हुआ है। तो बीफ द ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो दैट इज़ ब्रिक्स नेशंस उसको हम कहते हैं। तो ब्रिक्स इन तमाम कंट्रीज से मिलकर इकोनॉमिकल एक ट्रीटी साइन की हुई है, मतलब इकोनॉमिक ट्रेड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके अंदर इनके आपस में एग्रीमेंट्स हुए हैं, मुआहदे हुए हैं बहुत सारे, तो इनको ब्रिक्स नेशन कहा जाता है। और ये ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त दुनिया की, जो बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है, जो कि पीछे कर रही है बाकी यूएसए को और कंट्रीज़ को, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान नहीं है ब्रिक्स के अंदर। पाकिस्तान बहुत कम अच्छी चीज़ों में होता है, मसला ये। तो अभी क्या है, अच्छी बात है कि बुरी, अभी आप समझे इसको। OIC, एक तो OIC इंग्लिश में बोल रही है, OIC क्या एब्रिविएशन है, मुसलमानों की यही है तहरीक है, एनीबडी नोस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामी सरबराही समिट कॉन्फ्रेंस जो किया करते थे ना, ये वही है OIC। इसके हेडक्वार्टर जिद्दा में सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब में इसका हेड ऑफिस है OIC, इस्लामिक, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और 1974 में जो OIC का इजलास हुआ था वो बड़ा मशहूर है, वो कहाँ हुआ था भाई, लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान के अंदर। अब इमरान खान के दौर में भी एक छोटा इजलास हुआ था इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का, OIC का, तो वो बड़ा उसमें वबेला मचा था कि इस वक्त हम जो है वो, मतलब इतने सारे लोग दुनिया के आ रहे हैं और आप इस वक्त मतलब ये सब काम कर रहे हैं, मतलब गिराने का कुर्सी तख्त को, ये सारी चीज़ें, तो OIC का बड़ा उसमें अमल दखल था, अभी भी जो लास्ट टाइम सीनेरियो था। तो 1974 में लाहौर में हुई थी ये, उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उस वक्त की बात है, शाह फैसल आए थे उस वक्त, ठीक है। तो ये OIC का इजलास होता है, देखो फ़ायदा कुछ नहीं है उसका, बस होता है बेनिफिट नहीं है, मुसलमानों की इतनी इकाई नहीं है ना आपस में, खुद इतने पंडे, इराक बोलेगा कि हम कुवैत की बात नहीं मान रहे, सऊदी अरब बोलेगा हम यमन की बात नहीं मान रहे, मतलब पाकिस्तान बोलेगा हम अफगानिस्तान की बात नहीं मान रहे, मतलब हमारे मुस्लिम कंट्री के अंदर ही इतना तजाद है कि दो मुस्लिम क्रिकेट प्लेयर्स आपस में जब खेल रहे होते तो लगते नहीं है मुसलमान है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसा लगता है दुश्मनी है, मतलब इंडिया से ज़्यादा बड़े दुश्मन वो हो गए, तो क्या है दोनों मुस्लिम्स, सख्त मुस्लिम है, कलमा गो हैं सारे, लेकिन हमारे आपस में इतने इख्तलाफात हैं ना 36 किस्म के, क्या हम उसको फिर नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन इतना कोई काम का नहीं है, फेल्ड है, वो भी कुछ नहीं किया, इसके होते हुए भी कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ, फलस्तीन आज़ाद नहीं हुआ, सब ऐसे ही पड़ा हुआ, तो क्या फ़ायदा है OIC का, कोई बेनिफिट ही नहीं है। ECO, सुना है इसका नाम कभी, सेकेंडरी PST में तो याद किया होगा कुछ ऐसा। ECO भी, इसको RCD भी कहते हैं, पहले RCD कहा जाता था, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, तीन कंट्री थी पाकिस्तान, ईरान, टर्की, इन तीन कंट्री ने इसको मिलकर बनाया था। अब अक्सर बहुत सारी और कंट्री आ गई इसके अंदर, RCD शाहरा भी बड़ी मशहूर है, RCD हाईवे
जो इन तीन कंट्रीज के इश्तराक से बनी। तो अब इको कहते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो तेहरान में। तेहरान आपको पता है, तेहरान किसका शहर है भाई, बताया था ना कैपिटल्स के अंदर, ईरान का कैपिटल है तेहरान। ठीक है, तो जीके के अंदर एमसी वो भी पूछते हैं ना आपसे एब्रीविएशन वगैरह ना, तो देख लें एब्रीविएशन, वो बच्चे भी गलत लगा देते हैं, पता नहीं होता। तो मैंने कुछ 70 के करीब इंपॉर्टेंट रख दिए हैं जो कि पूछे गए पेपर में, उसी हिसाब याद रखें। सार्क, सार्क सुना है, सार्क ममालिक, सार्क कॉन्फ्रेंस, साउथ एशिया की ये जो है वो ट्रीटी है, इट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, सार्क ममालिक, सार्क कॉन्फ्रेंस, क्या अभी आपने सुना होगा ये सब। इसके अंदर कंट्रीज हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंट्रीज हैं, उनको याद एमबीबीएस स्पेन के नाम से याद करते हैं, एमबीबीएस स्पेन। तो निमोनिक इसका मैंने बनाया है, M4 इसके अंदर हो गया, दैट इज कॉल मालदीव्स, सॉरी M4 हो गया इसके अंदर मलेशिया, मलेशिया, B4 हो गया हमारे पास बर्मा, फिर B4 हो गया भूटान, ठीक है। S4 कौन सी कंट्री हो गई एशिया में, सिंगापुर, P4 पाकिस्तान, A4 अफगानिस्तान, I4 इंडिया, N4 नेपाल, दीज आर द 7 नेशंस विच आर प्रेजेंट ऑलवेज इन सार्क कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अच्छा SS सिंगापुर नहीं है, सॉरी गलत कह दिया, SS श्रीलंका, अब सही है, ठीक है। तो ये कंट्रीज हमारे पास MBBS स्पेन से, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ नेशंस हैं, तो आपसे MCQs में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट प्रेजेंट इन सार्क, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज प्रेजेंट इन सार्क कंट्रीज, तो ये बताना पड़ेगा। जीके में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भरोसा थोड़ी ना तो आपको, और ये सब चीज़ें काम में आएंगी आगे आपके, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दे आर बेनिफिशियल फॉर यू। FATF तब पहले पढ़े, लास्ट ईयर चला था ना पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में आ गया है ना, फिर ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जा रहा है, फिर ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, सुना है कभी ऐसा कुछ FATF? जब कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार होती है, इकोनॉमी उसकी गिर रही होती है ना, तो वो FATF एक लिस्ट है बनाती है, उसको ग्रे लिस्ट में डाल देती है कि भाई ये खतरे वाली कंट्री है, मतलब इसमें कभी भी बैंकक्रप्ट हो जाएगी कंट्री है। FATF, FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन लेती है टास्क फोर्स ये, मतलब कोई कंट्री अगर वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है तो उसको फिर वो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, कुछ कर्ज़ वगैरह देना रोक देते हैं। FATF जब अपनी समरी पेश करता है तो IMF कर्ज़ देना रोक देता है कि मैं ये कंट्री आगे कर्ज चुका नहीं पाएगी, उसको दो नहीं अब, तो ग्रे लिस्ट उसकी होती, लिस्ट बनी होती है उनके अंदर, तो पाकिस्तान इसके पहले डेंजर में था, कर्ज़ा मिलेगा नहीं तो खाएंगे कैसे, कर्ज़े में तो पलता है पाकिस्तान, तो वही नहीं मिलेगा तो टेंशन हो जाएगी, तो इसलिए बड़ा लोग परेशान थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कर्ज़ा रहने के लिए इतनी टेंशन हो कि पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन वो मिल रहा है तो नुकसान नहीं हो रहा, कौन सा फ़ायदा हो रहा है, बाहर में तो हमें चुकाना है। नेटो, इसका भी सुना होगा नाम आपने, नेटो फोर्सेस, नेटो फौज अफगानिस्तान में जो थी। दिस इज़ नॉट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो नॉट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 30 मेंबर स्टेट्स इनके हैं, 30 मेंबर नेशंस हैं, 30 अराकीन इसके हैं, 30 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, 30 कंट्रीज की फौज इसके अंदर होती है, पीस कीपिंग फोर्स इसकी बन रही होती है यूएन की। नेटो ये असल में कैपिटलिज्म को बचाने वाली फोर्स है, एक ऐसी कुव्वत है जो कैपिटलिज्म को, जो अमेरिकन पावर है ना सुप्रीमेसी, उसको बचाने के लिए ये बनाई गई है 30 कंट्री को मिलाकर, कि अगर कोई कंट्री कैपिटलिज्म के खिलाफ उठ खड़ी होती है, मतलब बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ, सूद के खिलाफ, या हर वो सिस्टम के खिलाफ जो अमेरिका ने ईजाद किया है कम्युनिज्म के लिए उठ खड़ी होती है, तो इसमें फिर क्या होता है कि फिर ये कंट्रीज उस पर नेटो फोर्सेज है ना वो उस पर अटैक कर देती हैं, तो उसको बहुत मुश्किल होता है इनको हराना, चूँकि 30 कंट्रीज एक साथ अटैक कर रही होती हैं, 30 नेशंस, 30 नेशंस, तो इतना आसान नहीं है ना इनको हराना नेटो फोर्सेज। तो अमेरिका अकेले नहीं लड़ता खुद जाकर, बल्कि नेटो फोर्सेज के साथ लड़ता है जब भी, ICC तो पता ही होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC, वर्ल्ड कप अभी होगा T20 का, यही कराएगी। फाटा, तो
What is FATA? केपीके में है ना एक रीजन है फाटा, फुल फॉर्म पता है किसी को? वजीरिस्तान में जो आता है वो पूरा एरिया उसका, वाना वगैरह जो आते हैं जहाँ पर, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज कबारी इलाके होते हैं जो फेडरेशन के जरिए असर होते हैं, पर केपीके गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। वैसे तो किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, ये इनकी अपनी मर्जी है जो चाहे कर लेते हैं फाटा के अंदर, मतलब वहाँ हुकूमत की रीट नहीं चलती वहाँ पर। कभी अगर आप फाटा विजिट करोगे तो आपको पता लगेगा फौज पुलिस ये वो कुछ नहीं होती उसके अंदर, इनका अपना जरगा सिस्टम होता है जो चलता है, जिरगा जो चलाते हैं ये फाटा। सुपारको, सुना ही होगा सुपारको के बारे में, कराची में ये अपर रिसर्च पर काम करती है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, स्पेस यू से अपर, ठीक है, और यूपी अपर हो गया, एस एटमॉस्फेयर हो गया, आर से रिसर्च हो गया, आर सी से सी हो गया कमीशन, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ये काम करती है लाइक सैटेलाइट्स वगैरह भेजती है डिफरेंट इस तरह के, ये सब चीज़ों पर काम करते हैं, सुपारको कहा जाता है उसको, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है वो तो मौसमियात के पास ही है ना, गुलशन इकबाल, गुलशान जोहर क्रॉस करके, लेकिन इसका जो मेन जो इसका हब जहाँ पे इसको बनाया जाता है सैटेलाइट्स को, वो हब पर है, हब एरिया ना, हब का इलाका बलूचिस्तान उस तरफ है। तो सुपारको दो जगह पर आपको कराची में मिलेगा, एक मौसमियात पर तो हेड ऑफिस मिलेगा, बाकी वहाँ पर अलग इंडस्ट्री मिलेगी इसकी। तो डिप्लोमा वगैरह भी करते हैं ना बच्चे सुपारको से, 3 साल का जो इंटर्नशिप होती है। OGDCL पता है, इस्लामाबाद में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ऑयल गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDCL, तेल वगैरह के जो प्राइसेस हैं ना यही बढ़ाती है, पेट्रोल के जो रेट ऊपर कम ज़्यादा होता है ना उसकी समरी यही देती है OGDCL, ऑयल एंड गैस कम तो होते नहीं है बढ़ते ही हैं, तो जब भी बढ़ते हैं तो ये समरी देती है, कम करते हैं 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा के 1 रुपये कम करते हैं, हाँ 30 बढ़ा देते हैं, वही वाला हाल है। वापदा, वापदा सुना है? यस, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापदा, पानी और बिजली के लिए जो दोनों ही नहीं आते उनके लिए काम करती है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापदा, बस है इदारे नाम याद रखे बस है इसका, ठीक है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा। पैमरा, हर जैसा बैंड लगाती है, जहाँ कोई चीज़ हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ आ गई तो सबसे पहले उसको ड्रामे को बैंड करो फिल्म को बैंड लगा देती है, देखा है पैमरा, दैट इज पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि पाकिस्तान ही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है ना भाई। तो पैमरा सबसे पहले मतलब फिल्टर मतलब करते हैं ये सारी चीज़ों को, पहले खुद बैठ के ड्रामा मूवी देखेंगे, उसमें कुछ लिखेगा कि यार ये बताने से पोल पट्टी खुल जाएगी तो उसको बैंड कर दो, ये नहीं कि उसमें कुछ ऐसा है मतलब पोल पट्टी खुल जानी है तो मसला हो जाना, तो ये इसके लिए फिर वो क्या करते हैं उसको बैंड लगा देते हैं या सेंसर कर देते हैं, कहीं भाई एपिसोड हटा देते हैं, सीन कट कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें मालिक मूवी में भी किया था, अक्सर मूवीज़ में करते हैं ये, ठीक है, तो मना होता है ना कि नहीं आप लोग कर सकते हैं, उसको आ ही जाती है बट कहीं ना कहीं से बाद में मार्केट। पेप्को, दिस इज पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पेप्को, ये भी पावर के लिए काम करती है, पावर जनरेशन पर काम करती है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पेप्को, सुना होगा इस्लामाबाद में, वैसे कराची में नहीं है पेप्को। SHGC तो पता ही होगा कराची की है, बिल के ऊपर लिखा होता है ना गैस के, सुई साधारण गैस कंपनी लिमिटेड SHGC, सुई गैस के बिल के ऊपर, और जब लाहौर में जाओगे तो वहाँ लिखा होता है SNGC, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी, तो नॉर्थ में ना लाहौर वगैरह, तो सिंध में SHGC लिखा हुआ है, सुई साधारण गैस कंपनी। KWSB कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, ठीक है, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड दैट इज कॉल्ड KWSB, कराची के लिए ये KMC के अंडर में चलती है, PTE है तो पता ही होगा भाई हर फोन में बोलता है, सिम ब्लॉक कर देती है जो आपका बैठे बैठे, मोबाइल ही ब्लॉक हो गया, चलो भाई PTE अप्रूव नहीं था, सस्ते में बिकेगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, सही है, तो इसी को टैक्स देना पड़ता है भाई जब भी आप मोबाइल खरीदते हैं, वरना आप सिम चलेगा ही नहीं उसके अंदर, सही है, और इम्पोर्टेड मोबाइल जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं इस वजह से, टैक्स पे नहीं होने की वजह से।
किट वाले मोबाइल तो चलते भी नहीं है, ख़त्म हो गया दौर एक था, अब सारे बंद हो जाते हैं, आईफोन वगैरह ये वो सारे। पी आई ए तो पता ही है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पी आई ए का एक स्लोगन था पहले, कम फ्लाई विद अस, कम फ्लाई विद अस, अब होता है कम डाई विद अस। कभी भी क्रैश कर जाता है, कुछ भरोसा नहीं है, अक्सर बहुत बार ऐसा हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो पी आई ए किसी ज़माने में एशिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन थी 1950s में, तो कितनी बार उसको अवार्ड मिला पी आई ए को, जब बेस्ट एयरलाइन ऑफ एशिया, अब वर्स्ट क्या मिलता है, मतलब बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पी आई ए की प्लेन लैंड करने की जाती ही नहीं है, क्या अभी प्लेन लैंड ही नहीं कर सकते, कंट्री में ला ही नहीं सकते हमारे, तो पाकिस्तान मतलब इतना मना है इसके सारे प्लेन्स वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर पुराने हो गए और एक्सपायर हो गए, तो उनकी लाइफ पूरी हो गई है, तो उनको उड़ने की इजाज़त होनी नहीं चाहिए, बट उड़ रहे हवा में अभी भी। तो यही वो था जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को बनाया था, पी आई ए एमिरेट्स है ना सऊदी अरब का वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन, उसको पाकिस्तान ने ही बनाया था, मतलब पाकिस्तान के पी आई ए के इंजीनियर्स गए थे और उन्होंने पूरा उनका सारे चीज़ें बनाई, डिज़ाइन की, एविएशन अथॉरिटी उसकी कायम की, उसका एयरपोर्ट डिज़ाइन किया, सब पाकिस्तान ने किया था। और आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, अलग ही हो गए, एमिरेट्स का है और पी आई ए का है, बहुत फ़र्क है, मतलब हम दूसरों का हमने ऊपर कर दिया, खुद पीछे हो गए। पाकिस्तान ने बहुत के साथ ऐसा किया। पी आई ए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पी ए ई सी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, बड़ी मशहूर है ये भी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटमी एनर्जी पर काम करती है पाकिस्तान के अंदर, उसकी कमीशन है ये इस्लामाबाद में, ये भी कराची में नहीं है, पता ही होगा, इसके ड्रामे देखते होंगे, इसके गाने वाले भी सुनते होंगे। ISPR क्या फुल फॉर्म बताइए, DG ISPR सुना होगा ना, आसिफ गफूर साहब जी, अटेंडेंस। ISPR का काम ये है कि फ़ौज और पब्लिक के बीच में रिलेशन सही रहे, ऐसे नहीं कि पब्लिक फ़ौज को कुछ खुदा ना खास्ता उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अच्छे ताल्लुकात फ़ौज और लोगों के बीच में रहें, तो ड्रामा बनाते हैं, सॉन्ग लॉन्च करते हैं, इस तरह के ISPR का काम ही है ये, हम TV में अहद वफा जैसा बना दिया इस तरह से कुछ भी, तो वो ताकि आवाम के अंदर ये जज्बा बरकरार रहे, मतलब ज़बरदस्ती भले लेकिन कि आप बिल्कुल मतलब, तो ISPR का मतलब होता है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ISPR ठीक है। ISSB टेस्ट होता है ना इसका, आर्मी में क्या होता है HSB की फुल फॉर्म, IESSB इंटर सर्विसेज तो है या सिलेक्शन बोर्ड, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ISSB ठीक है, सिलेक्शन करती है, फाइनल सिलेक्शन आपके ISSB में होती है इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद, है ना, वो फिर मलिर में होता है हमारा कराची का, तो दाद गया इस बार आप लोगों में तो कोई अभी तक गया ही नहीं होगा, गया है कोई। नेक्स्ट है ISI वर्ल्ड नंबर वन इंटेलिजेंस, इनविजिबल, इसका निशान है ना मारखोर है ना इसका निशान, एक जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी यही है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI यानी कि नंबर वन एजेंसी कहते हैं, है कि नहीं है तो अल्लाह ही जाने, लेकिन कहा जाता है ISI FBR यस टैक्स लिपटने वाली आप सही है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR वो टैक्स सेल्स टैक्स वगैरह ये जमा इनकम टैक्स से जमा करती है, FIA उठा के ले जाती है, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी FIA फेडरल होती है ये, FIA छापे आपे मारती है, सुना होगा FIA रेड वगैरह करती है, FIA CID ये तो पता ही होगा, ACP प्रतिमान को बहुत देखा आपने, ACP को बहुत देखा है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, समझे थे आप, तो ये CID तो पता ही होता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ठीक है, FIR FIR कटती है ना भाई, क्या मतलब है FIR का बताइए, FIR कट गई भी फलाने के नाम की, इट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन होती है पूरी क्राइम की वो FIR लिस्ट पे आती है, दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR याद रखें, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में आ रही होती है सामने। SHO
इलाके का SHO है, बोलते ना थाने का SHO है। SHO मतलब क्या? ये तो बड़ा सिंपल है, SHO तो देखा ही होगा, हर थाने थाने में होता है SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। पुलिस स्टेशन में ही होता है ना, पुलिस स्टेशन में ही होता है, दैट्स वाई स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, हर थाने का एक SHO होता है। अच्छा, SHO कोई पोस्ट नहीं है, मतलब ना ये नहीं कह सकते कि SHO मीन्स कोई एक आर्मी के अंदर कोई रैंक, वो सॉरी पुलिस के अंदर कोई रैंक है, दिस इज नॉट अ रैंक, ये जस्ट एक समझ लो कि एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है SHO होना। अब SHO कोई ASI भी हो सकता है, कोई SI भी हो सकता है, कोई इंस्पेक्टर भी हो सकता है, मतलब SHO कोई रैंक नहीं है पुलिस के अंदर, रैंक ASI है, SI है, इंस्पेक्टर है, SSP SP है, IGD IG है, SHO को रैंक नहीं है। SHO बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको थाना सौंप दिया गया, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसलिए अब कुछ SHO आप इंस्पेक्टर देखेंगे, कुछ SHO सब इंस्पेक्टर होते हैं, कुछ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, लेकिन होते हैं SHO ही हैं, तो वो डिफरेंट है। CIA अमेरिकन CIA ये बड़ी मशहूर है, पेंटागॉन इसका आपने देखा होगा ना, USA के अंदर इस तरह पाँच कोने वाली बिल्डिंग इसकी जो है ना, ऊपर से पाँच कोने में दिखती है, दिस इज कॉल्ड पेंटागॉन, ये इसका हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन में ही है। CIA का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA, बहुत मशहूर है, ये भी बड़ी मशहूर है अमेरिका की है, क्राइम्स वगैरह के बारे में, FBI है, यस मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में FBI, दैट इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। ठीक है, NASA पढ़ते ही नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एरोनॉटिक्स मतलब ये जो है ना, वो जो खला में बेचते हैं सैटेलाइट्स वगैरह, रॉकेट्स वगैरह, ये सब बेचते हैं, NASA अमेरिकन है कि, यह बहुत मशहूर है, काफ़ी काम किया, अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप इन्होंने भेजा ऊपर आसमान में, सुना होगा। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोप की स्पेस एजेंसी है ESA, ये भी बड़ी मशहूर है, जैसे NASA अमेरिका के ना, तो यूरोप की ESA, बहुत सारे कंट्री ने मिलकर ये किया, एक कंट्री का नहीं है, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इंडिया की है इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, जैसे पाकिस्तान का ना सुपारको, वैसे इंडिया का इसरो है, इसरो से अमेरिका का NASA है, यूरोप का ESA है, सबके अलग अलग हैं नाम के साथ, तो याद रखें, इसमें से किसी का ही पूछ सकते हैं। HP कंपनी है तो कंप्यूटर की है, HP के आइटम घर में कंप्यूटर लैपटॉप कुछ तो हो गई, लैपटॉप क्या होता है HP, दो लोगों के नाम है, असल में ये दो लोग हैं, दो ओनर्स हैं इसके, हैवलेट पैकर्ड, ऐसे लिखा हुआ भी होता है ना HP में, हैवलेट पैकर्ड, दो लोग हैं, दोनों के नाम पर ही हैवलेट और पैकर्ड। चलो और भी शायद इस तरह का आएगा, बताओ BMW सुना है ना, हमारे पाकिस्तान में कहते हैं बहुत महंगी वाली गाड़ी, भी से बहुत, M से महंगी, W से वाली, बहुत महंगी वाली गाड़ी, लेकिन ये है नहीं, चलो पाकिस्तानी हम लोग कहते हैं तफरी में। बैरिश मोटर वर्क्स, बैरिश मतलब जर्मन है ना, बैरिश मोटर वर्क्स, तो बैरिश मोटर वर्क्स BMW, पहले BMW जो है ना वो गाड़ी नहीं बनाती थी, पहले BMW बनाती थी जहाज़ के इंजन, जो है ना एरोप्लेन्स होते हैं उनका जो इंजन होता है ना, पहले वो बनाती थी, तो ये जो आप देख सकते हैं BMW के लोगों में ये जो बना होता है, दिस इज़ अ प्रोपेलर, ये जहाज़ का जो प्रोपेलर होता है ना पंखड़ी, वो बनी होती है इसकी प्रोपेलर, तो पहले ये प्रोपेलर ही बनाया करती थी जहाज़ के, लेकिन अब गाड़ी बनाती है, लेकिन लोगों में अब भी वो प्रोपेलर ही बना होता है, जो उसके हिस्ट्री बताता है कि ये शुरू कहाँ से हुई थी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग से। BMW बहुत मशहूर है। IBM इसी तरह से लोग होता है ना, IBM लिखा होता है, कंप्यूटर वगैरह हो गए IBM के, देखे होंगे आपने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स दैट्स IBM, क्लियर है? ये CS वाले, ओके, तो पता ही होगा बचपन से पढ़ा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके, रोम रीड ओनली मेमोरी, बायोस पता है, रोम होता है ये भी किस्म का चिप होती है बायोस, जो स्टार्टिंग होता है ना कभी कभार कंप्यूटर में जो सेटिंग खुलती है यहाँ से, उसको बायोस सेटअप कहा जाता है, कभी F2 दबा कर, कभी F10 दबा कर, डिलीट दबा के खुल जाती है, इसको सेटअप पे जो स्टार्टअप जो आ जाता है उसमें, तो वो बायोस सेटअप कहलाता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम,
BIOS, basic input output system, that's BIOS. HDD, hard disk drive, that's HDD. अब तो दौर दूसरा चेंज हो गया, अब आ गया SSD, बहुत फास्ट होती है. अब तो HDD का तो दौर चला गया. अब जो गेमर्स वगैरह गेमिंग जो करते हैं, गेमिंग करता है आप ऐसे, कोई गेमर वेमर है कोई? GTA 5 वाले कोई नहीं है. सही है. तो पता तो होगा वैसे SSD के बारे में. अब कंप्यूटर में HDD के बारे तो CS लेने वाले तो पता ही होना चाहिए. स्पीड बहुत फास्ट होती है इसकी SSD की. दैट सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD. तो नॉर्मली अब तो यही लग के आ रहा है. HDD तो अब लगाते नहीं, न्यू जो लैपटॉप्स होते हैं लेटेस्ट, क्योंकि वो फिर कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए अब सिर्फ रैम और CPU के बजाय HDD को भी हटा के SSD करना पड़ता है. ये तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है. रैम अच्छी हो, प्रोसेसर अच्छा लगा हो और साथ में SSD लगी हो तो फिर तो जहाज़ हो जाती है. मतलब बहुत तेज़ कंप्यूटर की स्पीड. GTA 5 खेलो आप, उसमें टेंशन नहीं है. हर कंप्यूटर में नहीं चलती वरना. हम लोग तो वाइस सिटी खेलने वाले लोग थे भाई बचपन के दौर में अपने. अब तो दौर चला गया वाइस सिटी का. अब तो क्या क्या गेम्स आ गए हैं भाई, रियलिस्टिक बिल्कुल. देख के दगा. आपके दोस्तों में कोई खेलता होता आपको पता होगा. CPU ये तो पता ही है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU, वाईफाई ये तो पता है, वायरलेस और FI. वायरलेस फिडेलिटी, बहुत कम लोग जानते हैं इस वाले एब्रिविएशन को. WI वायरलेस, FI फिडेलिटी. वायरलेस फिडेलिटी के शॉर्ट फॉर्म है वाईफाई. सही है, सब बहुत बेहतरीन चीज़ है ना. पड़ोसी का भी लेके चला लेते कभी वाईफाई. और सबसे पहले बंदा यही ढूंढता है जाके, घर में किसी के जाता है वाईफाई ढूंढता है कि नहीं है. ओपन नेटवर्क तो मज़ा ही आता है डायरेक्ट ऑन. पासवर्ड तो पूछते रहेंगे, पासवर्ड बताइए भाई. नेक्स्ट, NAB, से नो टू करप्शन. आता ना मैसेज NAB का. NAB के फुल फॉर्म क्या है? करप्शन के खिलाफ काम करती है ये, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो. एहतसाब करती है, अकाउंटेबिलिटी करती है ये. कोई अगर करप्शन वगैरह करे लीडर तो फिर ये NAB जो है उसको सजा देती है या उस केस चलाती है. NED बताइए भाई, टेस्ट देकर आए होंगे ना कोई ना कोई NED का. फुल फॉर्म क्या NED की ये तो बता दीजिए. नादिर शाह एडुलजेड इंशो, एन से नादिर शाह, ई से एडुलजेड, डी से इंशो. एक बंदे का नाम है, तीन बंदे का नाम नहीं है. दिस इज अ वन पर्सन, नादिर शाह एडुलजेड इंशो. ही वाज अ पारसी. वो एक पारसी थे जो कल मैं बता रहा था ना आपको, मजूसी आतिशपरस्त फायर वर्शिपर. तो पारसियों ने कराची के अंदर बहुत ज़्यादा क्या काम किया है, फिलंथ्रोपी वाला, मतलब वेलफेयर वाला. बहुत सारों में से एक काम इनका ये था, जब कराची जब मतलब बन रहा था ना, बनने के प्रोसेस में था 1947 के बाद, जब कराची को कैपिटल सिटी बनाया गया तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था. तो जो नादिर शाह एडुलजेड इंशो थे, अमीर घराने से थे, उन्होंने फिर क्या किया कि कैनेडी इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से कॉलेज बनाया सदर में, जहाँ आज DJ साइंस कॉलेज, अगर आप देखें ना DJ साइंस कॉलेज के बिल्कुल पड़ोस में ही NED की एक बिल्डिंग, आर्किटेक्चर कैंपस. तो वो सबसे पहले वो बना था NED का, ताकि कराची के शहर के लिए उसका मॉडल बनाया जा सके, ताकि कराची शहर को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके. फिर फाइनली वो NED इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से फिर वो NED यूनिवर्सिटी बन के फिर वो गुलशन इकबाल में गवर्नमेंट ने उसको पूरी जगह ट्रांसफ़र की. पहले वो एक प्राइवेट कॉलेज के तौर पर था, बाद में गवर्नमेंट ने उसको अपना टेक कर लिया. इसलिए आज तक उनका नाम है NED, नादिर शाह एडुलजेड इंशो. उनके खानदान वालों को भी सीट्स मिलती हैं, अगर आप देखोगे ना उसमें, अगर जो उसमें होती है ना जो सीट्स लिखी होती हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर होता है द फैमिली ऑफ नादिर शाह एडुलजेड इंशो. उनकी सीट्स कुछ हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ होती हैं. इस खानदान का कोई भी बंदा होगा उसको सीट वहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बनाया इन्होंने था ट्रिब्यूट पेश करने के लिए. NED नाम तक उनका तो पता भी नहीं होता हमारे बच्चों को कि अच्छा मुस्लिम नहीं थे, ही वाज अ पारसी पर्सन जिसने हमारे लिए इतना काम किया. पारसियों ने काफ़ी अच्छे काम किए हर तरफ, इंडिया में, पाकिस्तान में. BBC, यस, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BBC बहुत मशहूर है भाई न्यूज़ के हवाले से. कर्सा हो गया BBC को स्टार्ट हुए, ये बताया था UBIT, ये तो पूछा ही है सबसे.
उमैर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उमैर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी UBIT. UBIT का टेस्ट होगा तो पूछेंगे ना तुमसे, UBIT के फुल फॉर्म तो बताओ, पता भी है कि नहीं पता, कैसे उन्होंने एडमिशन मिल जाएगा. तो दैट्स UBIT. PhD डिग्री है ना ये, क्या है फुल फॉर्म PhD का? हमारा कहता है फिरा हुआ दिमाग. PhD फिरा हुआ दिमाग, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है, PhD का मतलब होता है फिलासफी डॉक्टर, ये डॉक्टर ऑफ फिलासफी, तो डॉक्टर लगता है ना नाम के साथ इनके, इस वजह से PhD जो होता है. BDS डेंटिस्ट जो होते हैं उनकी डिग्री है ये, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी. BDS डेंटिस्ट होते हैं ना सारे ये. मियाँ बीवी बच्चे समेत, हम लोग तो यही बोलते हैं. MBBS MBBS के फुल फॉर्म ये नहीं है, क्या है पता है किसी को? क्या फुल फॉर्म ही नहीं पता MBBS कैसे करोगे? अच्छा इस तरह से होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, रिवर्स पढ़ते हैं, MBBS होना चाहिए उसको, बैचलर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी. MBBS मतलब मेडिसिन और सर्जरी दोनों चीज़ें पढ़ते हैं इसके अंदर, MBBS इसलिए MBBS कहा जाता है उसको. HIV तो मेडिकल वाले जानते हैं. हाँ अच्छा फुल फॉर्म बताओ इसकी, मुझे ये वाले जुम्मे ना बताना है. वायरस, HIV वायरस है, ठीक है. क्या फुल फॉर्म है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इम्यून सिस्टम वीक करता है ना बॉडी के अंदर, ये HIV. और HIV वायरस से जो बीमारी होती है दिस इज कॉल्ड एड्स. एड्स के मतलब, ये तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो पता होना चाहिए. यस बता रहे थे ना, अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, दैट्स एड्स, ठीक है. तो ये तो बेसिक है, सबको पता होना चाहिए इस बीमारियों के एटलीस्ट एब्रिविएशंस. TB यस सर, ट्यूबरकुलोसिस, TB तबेतिक जो है, खून की उल्टी खांसी होती है उसके अंदर, TB. ATM क्या? एनी टाइम कैश मशीन. नहीं गलत बोलते हैं, एनी टाइम कैश मशीन थोड़ी ना, दिस इज डिफरेंट, दिस इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन. टेलर मतलब जो पैसा देता है ना उसको टेलर, जो कैशियर होता है बैंक में, जो बंदा आपको पैसे देता है ना, आप जो पेमेंट, वो टेलर कहलाता है. अब यही चीज़ अगर ऑटोमेटिक हो जाए तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मशीन के थ्रू. तो टेलर असल में एक बंदा होता है जो आप, जिसको आप कैशियर बोलते हैं, जो आपको कैश देता है उसको असल में टेलर बोला जाता है. तो ये ATM है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, तो बंदे की जरूरत नहीं, मशीन डायरेक्ट आपको पैसे दे रही है. ATM LHC तो पता नहीं होगा शायद आपको. CERN का नाम सुने कभी? CERN 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 असल में ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के बीच में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. तो इसमें काफ़ी एक बड़ा समझ लो कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में एक सर्कुलर टाइप का, आपने देखा होगा कि उस तरह सा एक पूरे पाइप बनी हुई है बहुत बड़ी, किलोमीटर्स, काफ़ी किलोमीटर लंबी. तो क्या होता है, इसके अंदर पार्टिकल घुमाते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर कहलाता है. तो जब ये पार्टिकल आपस में टकराते हैं, दो तरह से दो पार्टिकल घुमाते हैं, फिर फाइनली CMS एक एरिया होता है. CMS में जाकर क्या होता है, ये आपस में जाकर टकराते हैं. जब टकराते हैं तो क्या होता है, टूट फूट का शिकार होता है उसके, और टूटे फूटने की वजह से अंदर से न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होते हैं, न्यूट्रिनोस, मिजॉन्स, हिग्स बोसॉन, बोसॉन्स बहुत सारे सुने होंगे. तो ये LHC होता है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, पार्टिकल एक्सेलरेटर है ये. GUT डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पेश की थी ना, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था पाकिस्तान में उन्हें. डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इसको पेश किया था GUT, और इनको फिर फिजिक्स में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था. शुरू के ज़माने में क्या था कि चार तरह की फोर्सेस थी, कहा जाता था फिजिक्स के अंदर चार फिजिकल फोर्सेस हैं जो होती हैं. एक कहा जाता था दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, एक था इलेक्ट्रो
मैग्नेटिज्म, एक थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और क्या अच्छी बच्चों ये फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि ये चार तरह के फोर्सेस हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो हमारे जो अब्दुल सलाम थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम जंग में पैदा हुए थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा था भाई ये दोनों फोर्सेस जो है ना वो एक ही हैं, ये दोनों फोर्स एक अलग अलग नहीं है, इनको मिलाकर एक फोर्स बना दो, दिस इज कॉल्ड यूनिफाइड फोर्स। तो दोनों को मिलाकर उन्होंने थ्योरी से एक फोर्स बना दिया था कि ये दोनों फोर्स अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, और इसी को कहा जाता है GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, जिसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की यूनिफिकेशन कर दी, उसको यूनिफाई कर दिया था, उसको यूनाइट कर दिया था, एक बना दिया था। तो बहुत बड़ा काम था इनका, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम का GUT पर काम किया था, और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग स्टीवन वाइनबर्ग के साथ काम किया था उन्होंने, जो जर्मन बहुत बड़े वो भी एक फिजिसिस्ट थे, बढ़ चुके कादियानी थे, अहमदी थे, इस वजह से हम उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, के मुसलमान नहीं थे, इसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा उसको हम इज्जत उनको रिस्पेक्ट नहीं देते जो बाकी वो देते हैं। जैसे अब्दुल कदीर खान बींग अ मुस्लिम, जैसे हम उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जबकि उनसे बड़ा काम अब्दुल सलाम का, लेकिन हम उनको नहीं देते, बिकॉज वो ही वॉज एन अहमदी, ही वॉज अ कादियानी, दैट्स अब्दुल सलाम। बस इसी PTCL पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनी लिमिटेड, PTCL, सही है तो पता ही होगा आपको, नादरा लड़की का नाम नहीं है कि सही है, NIC जो बनाती है नादरा, क्या है नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, है ना, डेटाबेस रजिस्टर करती है आपका ये CNIC बे फॉर्म, जो भी दुनिया जान की चीज़ें पासपोर्ट वगैरह ये सब बनाती है नादरा, COAS राहिल शरीफ के सामने लिखा होता था, या कम बाजवा साहब के सामने लिखा होता नाम के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ, आर्मी जनरल कमांडर इन चीफ, दैट इज COAS लिखा होता है कभी ना शॉर्ट में ट्वीट वगैरह में, दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि ट्वीट तो जाहिर से पता लंबे तो नहीं सकते, शॉर्ट करके लिखते हैं ट्वीट्स को दो लाइन में, तो COAS लिखते हैं। DIE डिप्लोमा किया आप में से किसी ने, किसी ने नहीं किया था, आपको पता नहीं होगा शायद, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, तो DIE जो 3 साल करता है ना मैट्रिक के बाद, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी भी फील्ड में, सुना होगा तो वो डिप्लोमा DIE, उसको डिप्लोमा शॉर्ट में कहते हैं, फुल नाम इसका ये है CFC, ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डिफेक्ट करती है, CFC से यार खाने की चीज़ याद है, KFC GFC तो छोड़ दे, KFC बना दें, यस सही कह रहा आप, यस Kentucky फ्राइड चिकन, KFC दिस इज Kentucky फ्राइड चिकन, ठीक है KFC, असल में KFC को Kentucky एक मकाम था, एक लोकेशन, एक सिटी है दैट इज़ इन अमेरिका USA, वहाँ पर एक शख्स रहते जिनका नाम था कॉलोनियल सेंडर्स, देखो KFC में कभी एक चचा की एक फ़ोटो बनी होती है, उसमें दाढ़ी होती है उनकी, हेड लगा के चश्मा लगा के, बिल्कुल उनका नाम है कॉलोनियल सेंडर्स, ही वॉज द फाउंडर ऑफ KFC, तो उन्होंने सब दुनिया में पहली बार फ्राइड चिकन की रेसिपी बनाई थी, फ्राइड चिकन, और वो चिकन की रेसिपी लेकर वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में गए कि मुझे जो है वो मतलब आप मुझे एज अ शेफ़ रख दो, तो उनको किसी भी रेस्टोरेंट ओनर ने उनको रखा नहीं ना, तो करीब 50 के करीब रेस्टोरेंट्स उनको रिजेक्ट किया गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना ही एक अपना जिस कार में वो अपना मतलब कार में ही वो उन्होंने वो बनाकर बेचना शुरू कर दिया KFC मतलब फ्राइड चिकन को, तो स्लोली क्या हुआ कि उनका वो कार के अंदर से बेचा तो मशहूर हो गया वो, ये बात पुरानी बात है मतलब 100 साल पुरानी बात है, तो फाइनली क्या किया उन्होंने पहले फिर अपना रेस्टोरेंट खोला Kentucky फ्राइड चिकन के नाम से, फिर वो पूरा Kentucky में मशहूर हुआ, फिर पूरे USA में मशहूर हुआ, और आज दुनिया में हर शहर में आपको KFC के ब्रांचेस मिल सकती हैं, दैट्स वाई वो फोटो बनी होती है कॉलोनियल सेंटर की, वॉज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर दोज हु आर फेलियर्स, हु फेल सम टाइम एट द मोमेंट, तो ये एक बड़ी मशहूर कहानी है इनकी, सक्सेस स्टोरी जो है कॉलोनियल सेंटर की, द ओनर ऑफ KFC, KFC बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चेन है दुनिया में, द बिगेस्ट रेस्टोरेंट चेन इन दिस वर्ल्ड KFC, मतलब हर जगह मिल जाएगा आपको दुनिया में, कहीं पे भी जाए रेगिस्तानों में भी सारे डेजर्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पे भी KFC कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, क्या हाल है उसका, KDA यस स्कीम 33 दैट इज
कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए, केएमसी मेडिकल कॉलेज, वो केएमडीसी है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज केएमडीसी, दिस इज कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। केएमसी तो काम करती है वही इलाके में, सीडीजी के एक जमाना था, थी अब तो शायद नहीं है, अभी भी है सीडीजी के, अब तो नहीं है, बलदियाती निजाम आएगा तो फिर दोबारा से आ जाएगा। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, जब बलदियाती निज़ाम जब आता है ना तो केएमसी ख़त्म होकर फिर सीडीजी के हो जाती है, अभी फ़िलहाल केएमसी चल रही है। कमिश्नर होते हैं ना तो यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं तो वैसा कमिश्नर है, तो अब अगर सीडीजी के आ जाएगा तो मेयर के निज़ाम आ जाता है, फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची है, नाज़िम वगैरह ये सब हो जाते हैं।